नाउ जैसे कि आपको बताया गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, सिलेबस में भी गिवन है. यू नो दैट वाटर इज वाटर, वाटर इज लाइक H2O. वाटर को क्या बोला जाता है? इट इज H2O. H2O पोलर है या नॉन पोलर है? अभी मैंने आपसे पढ़ाया, बताओ जरा सा दिमाग दड़ाओ क्या होगा. इट शुड बी नॉन पोलर है जी, नहीं? अच्छा, ये क्या होना चाहिए? ये होगा पोलर. चलो कुछ दिमाग खोल के रखे हुए हो तो ये होगा पोलर. जब ये पोलर हो जाएगा तो अब ये पोलर होगा तो किस पर्टिकुलर कंपाउंड से मिलना चाहेगा जो कि पोलर हो. इस अब किसको दोस्त बनाना चाहेगा? पोलर को दोस्त बनाना चाहेगा, नॉन पोलर को दोस्त नहीं बनाना चाहेगा. सो एग्जैक्टली व्हेन यू टॉक अबाउट दैट इन पर्टिकुलर केसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो नाइट्रोजन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इक्वल शेयरिंग होगी तो दे शुड बी नॉन पोलर. ऑक्सीजन में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, नॉन पोलर. कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, जितना ये इधर खींचेगा इतना ये इधर खींचेगा, ये भी नॉन पोलर है. अमोनिया के केसेस में बिकॉज यहां पे अब नाइट्रोजन अपनी तरफ इधर खींचा इधर खींचा इधर खींचा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस शुड बी पोलर. हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज आल्सो पोलर. तो पोलरिटी का केस इस तरीके से चल रहा है. मतलब अगर इन सबको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, अगर इन सबको सॉल्युबिलिटी देखा जाए वाटर में, तो देखिए सबसे जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो H2S की है. हियर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर लिखा हुआ है, सबसे मैक्सिमम है H2S, फिर अमोनिया की है NH3, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है. दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर ऑफ डिफरेंट गैसेस अकॉर्डिंग टू द विच नेचर, पोलैरिटी नेचर. जो जितना ज़्यादा पोलर उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल. समझ में आया क्या? पोलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी नेचर. पोलर जो होगा सॉल्युबिलिटी नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा पोलरिटी उतना ज़्यादा आपका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा. वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, डिजॉल्व इन द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक इफेक्ट नॉन पोलर पे करेगा. एंड ये जो मूव करते हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से मूव करते हैं, ठीक है. सो वाटर की प्रॉपर्टी और वाटर में कैसे क्यों डिजॉल्व होगा ये आपको समझ में आ गए होंगे. इस पे ये आयनिक प्रोडक्ट भी चलता रहता है जिसपे H+OH-. तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में pH का जानना भी जरूरी होता है. दिस लाइक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट H+NOH-. कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताया जाएगा, इस क्वेश्चन पे आएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है. चलिए पहले इसको लर्न कर लेते हैं pH कॉन्सेप्ट को, देन विल गो फॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर. सो pH एंड बफर कॉन्सेप्ट. सो वॉट इज pH? pH इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन. अगर आप देखेंगे तो pH इज कॉमनली नोन एज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन. इट अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव टू द लॉग बेस 10. ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, लॉग होता है. कई लोगों को लॉग के बारे में नहीं पता होता तो उनके लिए मैं बता देता हूँ. देखो भैया लॉग का मतलब ये हो जाता है, लॉग एक होता है बेस 10 जिसको नॉर्मली हम लॉग लिखते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सो दैट कि आपके लिए नोट्स में भी अवेलेबल रहेगा कि अगर लॉग जो है ये बेस 10 होता है तो इसको सिंपली लिखा जाता है लॉग. अगर लॉग जो होता है ये आपके बेस ई एक्सपोनेंशियल बेस पे है तो इसको हम ln लिखते हैं, या लॉग का बेस जो होता है वो 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 2 भी लिखा जा सकता है. तो ये इसको नॉर्मली लॉग 2 लिखते हैं. 10 वाला जनरली बाय डिफॉल्ट केस होता है. अगर कहीं पे भी नॉर्मल लॉग लिखा रहे तो दैट शुड बी लाइक बेस 10, ठीक है. नाउ इसके अलावा जो हो जाते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव लॉग, ये जो होता है नेगेटिव लॉग का काम करता है. एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, एक्चुअली रियली में ये H3O+ आयन होता है सोल्यूशन में, नॉट H+, बिकॉज H+ एक आइडेंटिटी की तरीके से नहीं होता. तो एक्चुअली जो सोल्यूशन में आपको मिलता है वो हाइड्रोनियम आयन मिलता है. एंड इसके अलावा जो हो जाते हैं pH इज यूनिट ऑफ मेजर डिग्री ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी के ऊपर बात की जाती है. इट इज़ मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14. ये 0 to 14 के स्केल पर मेजर किया जाता है. द लो pH वैल्यू कोरिस्पॉन्ड्स टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड द pH वैल्यूज कोरिस्पॉन्ड टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के ऊपर बात की जाती है. सो लो pH होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, हाई pH होगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+. मतलब
कि पी एच जो होते हैं दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज यू नो दैट पी एच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ एच. यही तो बताया गया, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. यही तो है एक्चुअली में हाइड्रोजनियम आयन होता है, बट हम जनरली इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं. यही है तो यही एग्जैक्टली कि पी एच जब बढ़ेगा तो एच प्लस घटेगा और एच प्लस घटेगा तो पी एच बढ़ेगा. वही वाला है कि अगर पी एच घटा तो एच प्लस बढ़ा, पी एच बढ़ा तो एच प्लस घटेगा. दैट सिंपली मीन्स कि इफ पी एच विल इंक्रीज देन एच प्लस विल डिक्रीज, एंड अगर पी एच जो होगा वो डिक्रीज किया तो एच प्लस जो होगा वो इंक्रीज करेगा. इनवर्स रिलेशन होते हैं दोनों के, पी एच और एच प्लस के. ठीक है, नाउ पीएच का रेंज जो होता है वो 0 से 14 ही चेंज करता है. ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो होता है वो 0 टू 14 कैलकुलेटेड होता है, कि इससे ज़्यादा पीएच की वैल्यू नहीं जाती बिकॉज वाटर पे ये किया गया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे बात की जाती है और उसी के तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं. नाउ दियर इज समथिंग दैट 7 इज न्यूट्रल एसिडिक एंड 7 इज बेसिक. अब क्या है कि पीएच ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि पीएच की कुछ वैल्यूज होती हैं. इफ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर पी एच जो है दैट इज इक्वल टू द 7 इट शुड बी न्यूट्रल. इफ इट इज पी एच इज लेस देन 7 दिस शुड बी लाइक ये जो हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा, एंड इफ द पी एच इज ग्रेटर देन 7 दिस शुड बी बेसिक सोल्यूशन. अगर 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल सोल्यूशन है, 7 से कम है तो आपका एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशंस हो जाते हैं. दीज आर द डिफरेंट पीएच बेसिक्स. ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा कुछ पीएच के इंडिकेटर्स या मेजर्स किए जाते हैं, कई सारे मेजरमेंट होता है पीएच के लिए. यू कैन यूज इट पीएच स्ट्रिप्स, पीएच इंडिकेटर्स या पीएच मीटर. आप पीएच स्ट्रिप्स यूज करिए, पीएच इंडिकेटर यूज करिए, पीएच मीटर यूज करिए, इसके थ्रू आप पीएच को यूज कर सकते हैं. इसके अलावा सम आर द इंडिकेटर्स जो कि बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज या बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं. वन इज लाइक फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन जनरली इट इज कलरलेस. ठीक है, कलरलेस इन द एसिडिक पीएच, बट व्हेन इट इज इन बेसिक पीएच लाइक दिस वन, पीएच रेंज जो होता है बेसिक पीएच में जाएगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द पिंक, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज वैसे है तो ऑरेंज, लेकिन इसका ऑरेंज का कोई नाम नहीं होता, मतलब ऑरेंज का कोई वो नहीं है. देखिएगा, पहले ये रेड होता है एसिडिक पीएच पे, बेसिक पे येलो में कन्वर्ट हो जाता है. ब्रोमोफिनॉल ब्लू, यानी कि ये जो है वो आपके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक पीएच पे. मिथाइल रेड, मिथाइल रेड जो होता है वो पहले रेड होता है बाद में येलो में कन्वर्ट होता है. फिनॉल रेड पहले येलो होता है बाद में रेड हो जाता है. लिटमस पहले रेड होता है बाद में ब्लू हो जाता है. अब सवाल होता है कि बहुत छोटा सा पंगा है, दो तीन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे ध्यान रखना है कि किसका बेसिक पीएच पे कलर क्या आएगा. ठीक है, कुछ कुछ पीएच रेंज अलग अलग दिए हुए किस पीएच रेंज पे क्या होता है, सो ध्यान देना. अब मैं कुछ आपको हैक बताने वाला हूँ. है कुछ इस तरीके से, देखिएगा ये है पी और ये है पी. सो हियर फिनोफ्थलीन, ये है फिनोफ्थलीन जहाँ पे ये केस हो जा रहा है. मिथाइल ऑरेंज में आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ऑरेंजिस येलो जो है यहाँ पे नहीं उतना हो रहा है, तो इसको कोई भी दिया ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपको करना ही है. दिस इज ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्लू. फिनॉल रेड, रेड. मिथाइल रेड में या मिथाइल ऑरेंज में दोनों के पहले रेड होते हैं बाद में येलो होते हैं, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज हो. तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स में, दैट वन शुड बी लाइक फिनोफ्थलीन फॉर बेसिक पीएच पिंक, ब्रोमोफिनॉल ब्लू फॉर द ब्लू, फिनॉल रेड, फिनॉल रेड इज फॉर रेड. ये क्या के थे, बेसिक पीएच के थे. इसके पास मिथाइल ऑरेंज हो या मिथाइल रेड हो, इनका एसिडिक पीएच पे रेड होता है और येलो होता है बेसिक पीएच पे. ठीक है, ये हो गया. बाकी इतना भी याद रखोगे तो आपके कई सारे आंसर्स जो है वो इन्वॉल्व हो, मतलब सॉल्व कर पाओगे इजिली. सो दीज आर द केसेस जो यहाँ पे आपके चल रहे हैं. नाउ देयर इज अ बफर कॉन्सेप्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट द बफर कॉन्सेप्ट, सो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच. क्या बोला जाता है बफर सॉल्यूशन को, दैट शुड बी लाइक रजिस्ट द चेंज इन पीएच. ये जो होता है रजिस्ट करता है, जो भी चेंज इन पीएच होते हैं उनको रजिस्ट कर रहा होता है. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द लाइक कॉन्जुगेट बेस या वीक बेस. ये कहते हैं कि आप वीक एसिड को यूज़ करिए
एंड अ सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस यूज करिए, या आप वीक बेस कर सकते हो या इसी का कॉन्जुगेट एसिड ले सकते हो. Why we use them buffer? Why? Because enzyme reactions in the cell communicate, cell functions have the optimum pH. जो हमारे body में enzymes पाए जाते हैं उनको एक optimum pH की ज़रूरत होती है. जब भी हम ऐसे enzymes ऐसे चीज़ों पर काम करेंगे we have to provide the buffer. ठीक है. Now let's see the one example of acetate buffer here. Like CH3COOH is the acetic acid and it will broken down into the CH3COO-NH+. This is the acetate ion. And this is acetic acid. अगर ज़्यादा H plus बढ़ा, if the more H plus is added in the solution, क्योंकि H plus बढ़ेगा, अगर हम H plus add करेंगे, अगर यहाँ से H plus add कर रहे हो, अगर इस particular solution में H plus add करोगे, ये बढ़ने लगेगा, तो ये reaction backward shift हो जाएगा, left की तरफ हो जाएगा, so that H plus का concentration maintained रहे. अगर H प्लस आपने रिमूव किया तो ये जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि आप जो है H प्लस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखें सो दैट कि pH जो है वो मेंटेन रहे बिकॉज pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एज यू नो दैट. तो बफर का जो काम होता है यही होता है कि H प्लस अगर बढ़ रहा है तो वो लेफ्टवर्ड, अगर घट रहा है तो राइटवर्ड, इसी तरीके से वो शिफ्ट करता रहे और अपने आप को वो कंट्रोल करता रहे. एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. एसिडिक में जैसे एसिटिक एसिड वाला अभी आपको बताया गया था, अगर आप यहाँ पे H प्लस ऐड करोगे तो बैकवर्ड होगा, अगर आप इसको H प्लस रिमूव करोगे तो इस तरीके से होगा. इसका जो सॉल्ट होता है दैट इज ये है बेस सॉल्ट, सोडियम एसीटेट जिसको बोला जाता है, और इस तरीके से इस चीज़ को यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से बेसिक बफर में जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड है, इसको भी उसी तरीके से यूज किया जाता है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हो जाते हैं कि आपके हैंडसल हैसलबैक इक्वेशंस का भी यूज होता है. जब भी आपके कोई भी वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, यहाँ पे एक डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता. डिसोसिएशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता तो दैट इज के ए. जब भी एक एसिड होता है वो क्या होता है कि टूटता है एच प्लस और ए माइनस में, जहाँ पे ए माइनस इज द सॉल्ट, यही जो होता है सॉल्ट होता है, और ये जो होता है एसिड होता है या बेस होता है. ठीक है. इस पर के की वैल्यू होती है एच इंटू ए माइनस एच ए. जब इसको इस पर लॉग लोगे, लॉग इतना लॉग एच प्लस एंड लॉग ए माइनस एच ए. लॉग के ए को जब हम माइनस कर देंगे, बिकॉज एज यू नो दैट नेगेटिव लॉग पी एच इज पी एच, नेगेटिव लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज पी एच, सो सिमिलरली नेगेटिव लॉग के ए शुड बी द पी के. और इसी तरीके से लॉग जो ए हो जाएगा, दिस इज सॉल्ट अपॉन एसिड, अगर आप देखोगे तो दिस इज सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड का केस बनेगा, और इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी. पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हैंडसलबैक इक्वेशन. यानी पी एच कैलकुलेट करना हो तो पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दैट पी एच इज इक्वल टू पी के लॉग प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हो जाता है दैट इज लॉग सॉल्ट, यहाँ पे एसिड अपॉन बेस का जैसे फॉर्मूला किया है, इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने माइनस किया हुआ है, डोंट लाइक इसमें एसिड बेस पे कन्फ्यूज होने की बजाय. ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा पंगा है कि आप इसको सॉल्ट करें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सॉल्ट इसको एसिड कर ले या बेस कर ले जो भी होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर ये है सॉल्ट और ये हो जाएगा एसिड, तो ये हो जाएगा पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था. एंड इसी तरीके से अगर आपको कभी भी इनका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप इसको इधर भेजोगे, दैट पी के पी एच माइनस पी के ए टेन टू पावर दिस, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा दिस वुड बी माइनस, दिस वुड बी प्लस. लेट मी टेल यू, लाइक अब क्या करना है कि इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू पी एच माइनस पी के ए. लॉग को हटाने की एक प्रॉपर्टी होती है, जब बेस 10 हो तो पूरा का पूरा उसके दूसरे साइड वाला पैरामीटर 10 के पावर में चला जाएगा. सो दिस सॉल्ट अपॉन एसिड शुड बी द 10 टू पावर पी एच माइनस पी के ए, दिस इज द केस हियर, ये जो है आपका इन्वॉल्व हो जाएगा. तो ये पूरे के पूरे पंगे जो होते हैं हैंडसल हैसलबैक इक्वेशन में आता है. इसके अलावा जो हो जाता है देयर इज सम केसेस जहाँ पे नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बताया गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट शुड बी एच
लाइक अगर हम माइनिंग प्रोडक्ट जो मैंने इतनी चीज़ें डिस्कस करी है, कुछ हैक्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट शुड बी द हैक फॉर द पीएच, क्या होने चाहिए आपके हैक्स। हैक्स कुछ इस तरीके से हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं आपके पास H2O है, H2O टूटेगा, ये बनाएगा H प्लस एंड OH माइनस। इसको अगर बोला जाए तो दिस शुड बी H प्लस एंड OH माइनस जो है वो आपको फॉर्म करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है कि दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट शुड बी द pOH, दैट शुड बी नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। या अगर मैं बोलू व्हाट शुड बी द pKa एज इन हैंडरसन हैसलबैक, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है, दिस इज द केस। नाउ अगर हम बात करते हैं कि pH प्लस pOH हमेशा जो होता है 14 के बराबर होता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, ये जो होता है इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंडिविजुअली pH एंड pOH डिपेंड करते हैं। pH और pOH का सम हमेशा 14 होगा। जस्ट सपोज आपसे पूछा जाए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 है तो pOH का कितना होगा, दैट शुड बी 7। अगर pH आपके सॉल्यूशन का 8 है तो pOH शुड बी लाइक 6। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, दिस इज pH एंड pOH। व्हाट अबाउट H प्लस एंड OH माइनस कंसेंट्रेशन, इसके लिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसा मैंने लॉग के बारे में आपसे बात करी थी, देखिएगा क्या करना है कि अभी मैंने कुछ आप, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो था यही आपके पीएच के बराबर था। इस माइनस को हटाइए पहले, दिस शुड बी लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस पीएच। दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इस लॉग जिसका बेस 10 है नॉर्मली, इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इस पूरे के पैरामीटर को हम क्या कर लेंगे, 10 के पावर में लेके जाएंगे। तो दिस H प्लस शुड बी 10 टू पावर माइनस pH, ये जो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस pH के बराबर हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH। एंड वॉट अबाउट OH माइनस, OH माइनस शुड बी 10 टू पावर माइनस pOH, दिस इज द केस। तो आयनिक प्रोडक्ट जो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं तो ये क्या होगा, नॉर्मली अगर एक वाटर है, एक प्योर वाटर है जिसका pH जो है 7 है, अगर pH 7 होगा, अगर ये pH 7 होगा तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, लेट्स ट्राई इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अभी हम, ठीक है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि अगर दिस इज प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब है दैट शुड बी वाटर इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब दैट pH शुड बी 7। अगर pH 7 है तो व्हाट शुड बी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट शुड बी 10 टू पावर माइनस pH। अगर ये 10 टू पावर माइनस pH है, अगर pH 7 है तो व्हाट शुड बी pOH, pOH भी 7 होगा, तो व्हाट इज H प्लस आयन, दैट शुड बी 10 टू पावर माइनस 7 बिकॉज pH की वैल्यू। एंड इसी तरीके से अगर OH माइनस आयन के ऊपर बात करें तो 10 टू पावर माइनस pOH, दैट शुड बी 10 टू पावर माइनस 7 अगेन। तो एग्जैक्टली यानी कि इस आयनिक प्रोडक्ट को अगर हम रखें, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना, इफ द pH शुड बी 9 तो pOH क्या हो जाएगा, दैट शुड बी व्हाट, 5। तो अगर H प्लस आयन को देखोगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस pH यानी 10 टू पावर माइनस 9। व्हाट शुड बी द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट शुड बी 10 टू पावर माइनस pOH, दैट इज 5, 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है, आ गया। अगेन अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो है pH है और ये pOH है जिसका सम जो है हमेशा 14 था, यानी कि अगर हम एक जो आपको अभी कन्वेंशन बताया था pH प्लस pOH दैट शुड बी 14, सो वी कैन से दैट H प्लस इनटू नॉट सम, क्योंकि ये पावर में है और पावर सम तब होता है जब बेस का मल्टीप्लीकेशन होता है, सम नहीं,
ठीक है, कभी भी अगर देखें 10^1 इंटू 10^2 जब होता है तब हम इसको 10^3 करते हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है तब पावर जुड़ता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली H प्लस इंटू ओ एच माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा कि H प्लस इंटू ओ एच माइनस दैट शुड बी 10^-14, यही होता है। कई सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि 0.1 नॉर्मल HCl में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो एज यू नो दैट 0.1 नॉर्मल मतलब 0.1 मोलर, मतलब 0.1 नॉर्मल इज इक्वल टू 0.1 मोलर, यानी HCl टूटेगा तो H प्लस आयन प्लस Cl आइनस में, मतलब ये 0.1 होगा तो ये भी 0. यानी 10^-1, अगर ये H प्लस 10^-1 है तो यानी ये 10^-13 हो जाएगा, क्योंकि एक 1 और 13 का सम 14 होना चाहिए अल्टीमेटली, सीधी सी बात थी। तो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। इसके अलावा हैंडरसन हैसलबैक का एक हैक है जो कि हम बता देते हैं आपको। हैंडरसन हैसलबैक का क्या हैक है, हैक इस तरीके का है, कुछ देखिएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट हैक फॉर द हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सिंपल ये है कि आपके नॉर्मली जो हो जाते हैं कि सॉल्ट और एसिड अगर बराबर है कॉन्सेंट्रेशन में तो पी एच शुड बी इक्वल टू द पी के ए, अगर सॉल्ट एसिड से ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में तो पी एच इज ग्रेटर देन पी के ए, एंड अगर सॉल्ट एसिड से कम है कॉन्सेंट्रेशन में तो पी एच इज लेस देन पी के ए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर एसिटिक एसिड जो होता है वो टूटता है एसीटेट आयन या सोडियम एसीटेट में, ठीक है, सोडियम एसीटेट में अगर टूटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, पी के ए की वैल्यू जो है वो 5 है, पी के ए की वैल्यू जो है वो 5 है, तो वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी एच, पी एच शुड बी पी के ए, दैट ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। नाउ अगेन अगर जो है आपका ये वैल्यू सॉल्ट का वैल्यू 0.2 होता तो यहाँ पे पी एच पी के से ज़्यादा होता, मतलब ग्रेटर देन 5 होता। कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज़ द हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। एंड अगर ये वैल्यू मान लो 0.1 की जगह 0.2 होता तो ये केस होता, अगर 0.05 हो जाता तो पी एच जो है वो लेस देन 5 होता, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट विद द हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन फॉर द एक्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। चलिए, सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा।